क्या आपको पता है कि जो आप टूथब्रश डेली यूज करते हो वो आप सुबह सुबह ब्रश करने जाते हो तो ऑफ कोर्स वो क्लीन रहता है, साफ रहता है। बट देखो ये है उसका मैग्नीफाइड इमेज। एक्चुअल में जो ब्रश होता है उसमें ऐसा जो है ना, असल में उसमें ना पिछले दिन का ब्रश किया हुआ टूथपेस्ट एक्चुअली में ऐसा लगा रहता है। और ये आपको तब देखने मिलता है जब आप एक ब्रश को माइक्रोस्कोप से देखते हो और एक एक ब्रिसल्स को ऑब्जर्व करते हो, उसके ऊपर ऐसा टूथपेस्ट लगा रहता है। कितना अमेजिंग है ना, मतलब आपको ब्रश करने के बाद उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 24, एक पत्थर है जिसका नाम है शाइल सडोनी और वो ना ऐसा दिखता है। देखो ये ऐसा पत्थर दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा तौलिया कपड़ा एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ऐसा आप यहाँ देख सकते हो, या फिर नीचे को ये मीट है, मीट किसी जानवर का मीट कटा हुआ है, बट असल में ये कॉन्क्रीट पत्थर है। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 23, हाथी जो होता है, हाथी का पूंछ जो होता है उसको आप कभी बहुत ध्यान से कॉन्शियसली ऑब्जर्व कियो। देखो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये देखो हाथी का पूंछ है ये, कैन यू बिलीव डैट। जी हाँ, ये देखो हाथी, इसका पूंछ, और उसके पूंछ को अगर आप हैंड पे लेके ऐसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको हाथी का पूंछ कुछ ऐसा दिखता है, एकदम अमेजिंग है। मतलब हम लोग में से बहुत कोई जो हाथी के पूंछ को कभी कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया ही नहीं है, है ना। फैक्ट नंबर 22, केला जो आप खाते हो उसमें ऑफकोर्स बीज नहीं रहता है, ठीक है, उसमें बीज नहीं रहता है, बट बहुत सारे केले के ऐसे प्रजाति है जिसमें ना इतने बड़े बड़े जैसे एप्पल में बीज होता है ना, वैसे केले में भी बीज होता है। ये देखो उसका इमेज, इस इमेज में आप देख सकते हो कि केले के अंदर कितना बड़ा बड़ा बीज है। और ज्यादातर नेचुरल केला ना ऐसा ही होता है और हम लोग जो खाते हैं उसको स्पेशल तरीके से ब्रेड किया जाता है। फैक्ट नंबर 21, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पफर फिश इसे कहते हैं, ठीक है, ये मोटका मोटका फिश। तो ये फिश जो है इसको अगर आप इसके ऊपर का मांस हटा दो तो इसका जो हड्डी होता है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है पफर फिश का एक स्केलेटन, इट्स अमेजिंग। इसको आप बड़े स्क्रीन में भी देख लो, ये मतलब कितना अमेजिंग लग रहा है ना। मतलब मछली का जो बॉडी होता है वो नॉर्मल मछलियों का एक नॉर्मल सा होता है, बट इसको देखो मतलब अमेजिंग है, नेचर अमेजिंग है, ये ऐसा लगता है मतलब गजब लग रहा है देखने में एकदम। फैक्ट नंबर 20, रैबिट्स जो खरगोश होते हैं वो टिपिकली कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े, ठीक है, बट एक ऐसा रैबिट है जो कि बहुत बड़ा होता है और उसका नाम है फ्लेमिश जायंट रैबिट। और रैबिट का ये जो प्रजाति है उसको एक इंसान देखो हाथ पे लिया है, तो देखो ये है पूरे धरती का सबसे बिगेस्ट रैबिट का प्रजाति और इसका एवरेज लेंथ जो होता है वो 2.5 से 3 फीट होता है और ये कुत्तों के बराबर भी पाए जाते हैं। मतलब टिपिकल रैबिट से ये बहुत अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 19, पांडा ऐसा दिखता है, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक, ये पांडा का निशानी होता है। तो पांडा एंट्स, मतलब पांडे की तरह दिखने वाला चींटी आप कभी देखे हो तो स्पिनोलिया मिलिटरिस नाम का एक वास्प का स्पीसीज आता है और विकिपीडिया का डेफिनेशन पे आप देख सकते हो इसको बहुत लोग पांडा एंट से भी रिफर करते हैं और ये एक वास्प है। तो इसका क्लोज लुक देखो, मतलब एकदम पांडे की तरह है और मेरे को पता है कि आप पांडा एंट को तो मतलब कभी देखे नहीं होंगे, है ना। ये यहाँ पाया ही नहीं जाता, ये बहुत यूनिक जंगलों में पाया जाता है ये। और ये एंट जितना क्यूट दिख रहा है ना पांडा की तरह, उतना डेंजरस भी है क्योंकि इसका जो ऊपर बॉडी में ये जो आप देख रहे हो स्पाइक, ये अगर किसी को लग जाए ना मतलब वो दुनिया के पार चल जाएगा पेन के मामले में। फैक्ट नंबर 18, ये एक बहुत ही अच्छा सा फैक्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है ना उसमें क्या होता है कि वो जिस चीज का ऑफिस है उसको डिपिक्ट करने के लिए उसके बिल्डिंग में वैसा कुछ बनता है, ठीक है, कि ये इस चीज का ऑफिस है। तो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो इसका बिल्डिंग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का बिल्डिंग, उसी में देखो एक बहुत यूनिक सा इन लोगों का कंसेप्ट है कि ये जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग के बाहर इसके गेट पे, ये लिटरली एक पेड़ को बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि ये ऑफिस पेड़, एग्रीकल्चर और नेचर ये सबसे रिलेटेड है। तो ये रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का बिल्डिंग है जो कि बहुत यूनिक सा कंसेप्ट को फॉलो करता है। फैक्ट नंबर 17, सुनो मेरे साथ को एक बात करना है बहुत मस्त सा। आप लोग स्काईफाई मूवी देखते होंगे, ठीक है, और मूवीज और टीवी शोज जो भी होते हैं हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड भी, इसमें आप बॉलीवुड तो खैर ऐसा नहीं होता ऑफ कोर्स,
बट ऐसा आप देखे हो ना कि वो जो इंसान होता है वो कुछ अपने ऊपर कुछ लोहा ऐसा कुछ पहना होता है और उसके पास इंसान से ज्यादा ताकत आ जाता है कुछ भी लिफ्ट करने का, या फिर मतलब मशीन की मदद से इंसानों का ताकत बढ़ाना। ये जो कंसेप्ट है मूवीज का, आपको पता है ये धीरे धीरे आजकल दुनिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है। फोर्टिस कंपनी जो है वो एक्सोस्केलेटन निकाल रहा है और ये है ना, ये इंसान का ताकत बढ़ाने के लिए इसे रिलीज किया गया है। इसे देखो, ये है उसी मशीन को पहन के ये आदमी ड्रिल कर रहा है। तो टिपिकली जब आप अपने हैंड से ड्रिल करोगे तो आप ज्यादा पावर पुश नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट ये पहनने से उसका पावर बढ़ जाता है और बहुत सारे लोग इसका यूज भी करते हैं। इससे ना बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है और जो मसल फटीग होता है, थकावट, वो कम करता है ये मशीन। लगता है ये जो साइबॉर्ग और ये सब दुनिया जो हम लोग देखते हैं स्काईफाई मूवीज में, मे बी इट्स स्टार्टिंग टू इमर्ज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो अपना रंग दिखा ही रहा है। मैं हमेशा आपको उस फेसबुक के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जिसमें दो चैट बॉट आपस में अपने लैंग्वेज से बात करते हैं। ये सब देख के लगता है कि दुनिया के टेक्नोलॉजी को हम लोग को सोच समझ के बड़ा करना चाहिए, नहीं तो इसका मिस यूज भी हो सकता है। और एक HAL हाइब्रिड असिस्टिव लिम्ब नाम का एक जापानीज एक्सो सूट है, उसका भी आप एक पिक देख सकते हो। इसमें कैसे ये अपने वर्क के लिए इस मशीन का यूज कर रहा है, मतलब धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है वो रियल लाइफ में आ रहा है एक्सो स्केलेटन का। फैक्ट नंबर 16, ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी इमेज है, ठीक है, संतुष्ट कर देने वाला इमेज। ये देखो, मतलब रशिया में एक घर में वॉल पे बर्फ जमा हुआ था और उस घर के ओनर ने ना उसे पील ऑफ करना शुरू कर दिया, उसे उस दीवार से अलग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब अलग किया तो बर्फ का शेप देखो, मतलब ये देखने से इतना मजा आ रहा है ना, कितना अमेजिंग पिक है ना ये। मतलब उसको जब अलग किया तो कितना परफेक्ट शेप और बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। ये रियली में बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है और अमेजिंग बात ये है कि ये बिल्कुल रियल है। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है पेड़ जो है ना, पेड़ वो भी ना आपस में कम्युनिकेट करता है। तो पेड़ों में एक फेनोमेनन पाया जाता है कोई कोई प्रजाति में, इसको कहते हैं क्राउन शाइनेस। और ये जो शाइनेस होता है ना, इसमें ये होता है कि मतलब जो पेड़ होते हैं ना, एक एक पेड़, ये देखो आप इस इमेज को, ये आपस में बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आपस में डिसाइड कर दिए हैं कि हम लोग को आपस में टच नहीं करना है और अपना ऐसे स्पेस मेंटेन करना है, और एकदम परफेक्ट शेप पे देखो कैसे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये रियली में अमेजिंग बात है, ये क्राउन शाइनेस, ये एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। ऐसा लगता है ये पेड़ आपस में बात कर रहे हैं। अगर ये रैंडमली ऐसे पेड़ बढ़ता तो ऑफ कोर्स एक दूसरे का टच करता, बट इस स्पीसी के पेड़ पे ऐसा होता है कुछ, मतलब ट्रीज जो है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बट ऑन अ सीरियस नोट, ये मतलब अमेजिंग फेनोमेनन है कि पेड़ ही ऐसा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, सोलर पैनल जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, छत पे रखना पड़ता है। बट ना एक टाइप का सोलर पैनल एक्चुअली में बन रहा है जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल, और वो आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि ये बहुत अमेजिंग इन्वेंशन है। जो घरों के बैल्कोनी में कांच होता है या फिर जो खिड़कियों में कांच होता है, उसमें अगर हम लोग नॉर्मल कांच के बदले इस सोलर पैनल को अगर हम लोग लगा दें, तब जो धूप आएगा उससे जस्ट आपका नॉर्मल खिड़की का काम तो करेगा ही वो शीशा, बट उससे आपका एक बैटरी भी चार्ज हो जाएगा, बिजली भी बन जाएगा। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह दिखने वाला सोलर पैनल आ गया तो ये दुनिया बदल देगा लिटरली। MIT के रिसर्चर्स इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं और कई सैंपल्स बन भी चुके हैं, और जो आप ये इमेज देख रहे हो उस रियल सैंपल में से एक इमेज है ये। जब ये रिलीज हुआ था तब इसके ऊपर कई आर्टिकल्स आए थे इंटरनेट पे, आप उसमें से कुछ आर्टिकल्स को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 13, ससना 172, ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, छोटा सा होता है ना प्राइवेट जेट उस टाइप का। तो आप इसको एक बार देखो, ठीक है, ये कैसे एयरपोर्ट में लैंडेड है ये एयरक्राफ्ट, और इसको देखो इसका कंपैरिजन टू अ बोइंग 747। ये जो एक्चुअल में सबसे बड़े इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लाइट सब, वो देखो इसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग साइज कंपैरिजन है बिटवीन अ सेसना 172 एंड अ बोइंग 747। फैक्ट नंबर 12, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट डॉग, सबसे लंबा कुत्ता, ये था ज्यूस, और ये 2014 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये पूरे हिस्ट्री में ऑफिशियली दर्ज किया हुआ सबसे लंबा कुत्ता था, ज्यूस द टॉलेस्ट डॉग।
फैक्ट नंबर 11, ये जो फैक्ट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये सबसे डीप फैक्ट में से एक है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में ना जीने की इच्छा होती है। तो जिस तरह जानवरों और इंसानों में जीने की इच्छा होती है, वैसे पेड़ पौधों में भी होती है, ठीक है। तो पेड़ पौधों का जीने का इच्छा कितना होता है और वो जीने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसी को डिपिक्ट करने के लिए ये इमेज देखो। ये एक रियल इमेज है और इसमें आप देख सकते हो कि जो ऊपर का पेड़ है उसका जो जड़ है वो पत्थरों को तोड़ते हुए कितना नीचे तक गया है। ये मतलब इसको पानी चाहिए और पत्थर में तो ऑफ कोर्स पानी मिलेगा नहीं, तो ये एकदम नीचे तक गया है और जब तक ग्राउंड पे नहीं गया तब तक ये नहीं माना। और ये एक एक्टिव पेड़ है आज भी। ये इमेज को मतलब बोल सकते हो ट्री का जीने का इच्छा, ट्रीज विल टू लाइफ, इस बात को ये इमेज एक्सप्रेस कर रहा है। फैक्ट नंबर 10, ऐसे कई लोग होते हैं जो ऑर्फनेजेस चलाते हैं, जो ऑर्फन लोगों की संस्थाएं होती है उनको चलाते हैं। बट पता है ऐसे कई लोग होते हैं ना जो कि जानवरों का भी ऑर्फनेज चलाते हैं। तो ना एक बहुत स्वीट सा इमेज है जो कि इंटरनेट पे वायरल हो रहा था। ऑफकोर्स ये देखो, एक ऑर्फनेज गोरिल्ला का एक हाउस था और वहाँ का जो पार्क का जो मैनेजर है उसको कैसे ये गोरिल्ला हग कर रहा है। और ना इस इमेज जो है इस पे बहुत लोग कमेंट किए भी है कि जो लोग रियली में मतलब वाइल्ड लाइफ ऑर्फनेज पे काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और जो जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो लुप्त हो रहे हैं, उनका जो केयर करते हैं उनका रियली में मतलब स्वर्ग में अपना ही एक स्पेशल जगह होगा। लोग ऐसी बात बोलते हैं जो कि एकदम रियल बात है, क्योंकि देखो इस इमेज में एक जानवर का एक लव होता है वो दिख रहा है। ये एक ऑर्फन गोरिल्ला है। जिन जानवरों की माँ बाप की मौत हो जाती है या फिर वो अकेले हो जाते हैं उन लोगों को ऑर्फनेज में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 9, रिसेंटली ना एक इमेज वायरल हो रहा था ये देखो, और जापान में ना क्रिसमस कुछ ऐसे मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि मॉल्स में क्रिसमस का टाइम वो आइडल रखा जाता है, सेंटा क्लॉज का, बर्फ का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुंह से आग के बदले ये पता नहीं क्या छोड़ रहा है, शायद बर्फ है। तो पूरे जापान भर में ये इमेज वायरल हो रही है क्योंकि ये एक मॉल में एक्चुअली में किया गया है। फैक्ट नंबर 8, जापान में ना एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी कि वहां जो टर्टल्स होते हैं ना, कछुए, वो अक्सर रेल लाइन, मतलब बात ये है ना कि जब कोई ट्रेन पास होता था ना किसी भी रेल लाइन के ऊपर से, तो फिर जब ट्रेन पास होने के बाद आप सीन देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कई कछुए उस पटरी के ऊपर मर गए हैं और ऐसा बहुत हो रहा था। तो फाइनली देखो जापान के जो रेल रोड जो रेल लाइन वर्कर्स थे वो कुछ ऐसा टनल बना दिए थे सिर्फ और सिर्फ कछुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कछुए कभी रेल लाइन के ऊपर नहीं आए, और चाहे कछुए कितने भी स्लोली जाए वो नीचे हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। ये है जापान का एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हो जो कि बनाया गया है टर्टल्स को सेव करने के लिए। फैक्ट नंबर 7, ये बहुत मस्त फैक्ट है। एंट का कॉलोनी होता है, ठीक है, इंसान का जैसे होता है ना ये कॉलोनी वो कॉलोनी, एंट का भी कॉलोनी होता है। और वो कितना होता है, आप अपने गार्डन में या फिर किसी भी एरिया पे जाओगे, किसी भी जगह का पार्क में जाओगे, तब आपको अलग अलग एंट के कॉलोनीज देखने मिलेंगे, पूरा भरा हुआ रहेगा एंट। तो पूरा दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट एंट कॉलोनी है ना वो किसी छोटे से गार्डन, किसी बड़े स्टेडियम या फिर पूरे शहर के बराबर भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। ये देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑफिशियल पेज लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ एंट को लेके, और इसमें लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट कंटिजुअस कॉलोनी ऑफ एंट है पूरे वर्ल्ड में, जो उसका जो लेंथ है वो करीब 6000 किलोमीटर है और वो नॉर्दर्न इटली से शुरू होता है और साउथ ऑफ फ्रांस तक जाता है। और इसमें जो एक साइंटिफिक नेम होता है ना एंट का, लिनेपेथेमा ह्यूमाइल, ये प्रजाति एंट का वो रहता है। और ये एंट का कॉलोनी यूरोप के उसी जगह पे 80 सालों से रहता आ रहा है। इसको एंट का सुपर कॉलोनी भी कहा जाता है। मतलब सोचो कि एंट का जो लाइन होता है वो शुरू हो रहा है और 6000 किलोमीटर तक जा रहा है और वो सारे एंट एक दूसरे से उसी लाइन में ट्रेवल करते हैं। फैक्ट नंबर 6, वाटर स्प्राउट के बारे में आपको पता है क्या? वाटर स्प्राउट जो हम लोग मूवीज में देखते हैं ना, पानी एकदम टॉर्नेडो नहीं, वो अलग होता है। वाटर स्प्राउट में लिटरली मतलब ना तूफान ना कुछ, बस हल्का तूफान और पूरा पानी का खेल होता है। राउंड राउंड पानी यहाँ से लेकर बादल तक जाता है, देखो कुछ ऐसा। ये है वाटर स्प्राउट का पिक्चर और ये जब होता है तो सच में बहुत डेंजरस लगता है। मैंने अपने आंखों से नहीं देखा ऑफ कोर्स, बट ये जो चीज है ना वाटर स्प्राउट बहुत डेंजरस है। ये वाटर का एक इंटेंस वॉर्टेक्स होता है जो कि कभी कभी वाटर बॉडी के ऊपर पाया जाता है।
और ये टॉर्नेडो की तरह शहरों में नहीं आता, सब कुछ को तबाह नहीं करता, बस पानी वाटर बॉडी के ऊपर एक जगह घूमता रहता है। इसके बीच में बहुत सारे मछलियां भी आ जाती है, पता है? और जो आप सुनते हो कि यहाँ मछली का रेन होता है, आसमान से मछली गिरने लगती है शहर में, वो क्या होता है कि समुद्र से पानी में मछली मिक्स होकर ऊपर जाके शहर में गिरने लगती है। फैक्ट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ना, जिससे हम लोग चीजों का एकदम जूम करके देख सकते हैं, उसमें देखो कि अगर आपका स्किन जो है, इसमें अगर हम लोग निडल या सुई या फिर इंजेक्शन जब घुसाते हैं, तब देखो ऐसा कुछ होता है। ये है आपका पिंक कलर का स्किन, ठीक है? और जब इंजेक्शन आपके अंदर जाता है ना, तो ऐसा ब्लैक होल बन जाता है। मतलब एकदम स्मॉलेस्ट स्केल पे देखे तो कुछ ऐसा होता है आपके स्किन पे। जब निडल जाता है स्किन के अंदर तो ये इमेज निकलता है, देखो अमेजिंग है ना। मतलब कैसा चीज है बॉडी, गजब चीज है बॉडी। फैक्ट नंबर 4, 1295 BCE, मतलब आज से बहुत पहले ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी ना, मतलब जो आज से भी कंपेरेबल नहीं है। मतलब आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने में जो पिरामिड्स होते थे उसके अंदर नेचुरल एसी है। पिरामिड को ऐसा बिल्ड किया गया है कि उसका टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट ही होता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, नेचुरल एसी का टेक्नोलॉजी। बाप रे, माइंड ब्लोइंग। तो वैसे ही ना, ये देखो, ये जो आप अंगूठी देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक स्फिनिक्स कास्ट है, ठीक है, बना हुआ है। इसके ऊपर ये डिजाइन कास्टेड है और ये अंगूठी एक रियल इमेज है और ये साइंटिस्ट्स को मिला था और उनके हिसाब से ये 1295 से 1070 BCE के बीच का है। सच में अमेजिंग है। मतलब देखो कितने बारीक डिजाइन से बना हुआ है। आजकल ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे अंगूठी को फॉर्म करने में कई माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स का यूज करना पड़ता है उसको कार्व करने के लिए। एकदम जो रियल में माइंड ब्लोइंग कार्विंग्स होता है अंगूठी के ऊपर। बट आज से इतने साल पहले, 1000-2000 साल पहले ऐसा कुछ बन सकता है। फैक्ट नंबर 3, जो आप मूवीज में सीन देखते हो ना कार चलने का, या फिर जो ड्राइव करता है और बगल वाले कैरेक्टर से बात करता है, तो वैसे सीन्स को कैप्चर करने के लिए, मतलब कार्स के फ्रंट का जो सीन होता है उसको कैप्चर करने के लिए मूवीज में जो रिग यूज होता है ना, जो सेटअप यूज होता है, वो देखो कुछ ऐसा होता है। ये आप देख सकते हो, ऐसे जो सेटअप होते हैं ये हाई स्पीड एक्शन सीन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये है एक्शन सीन्स का बिहाइंड द सीन। ऐसे कैमरा सेटअप रहता है और ये कार चलता है। फैक्ट नंबर 2, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इससे ये पता चलता है कि हम लोग कितने, हम लोग का यूनिवर्स में क्या जगह है। देखो ये है चांद, ये है धरती, ठीक है? अब और बगल में आ जाते हैं, बाकी प्लैनेट से धरती को कंपेयर करो। देखो मर्क्यूरी छोटा है, मार्स छोटा है और वीनस भी छोटा है ऑफ कोर्स। फिर अब धरती देखो यहाँ आ चुका है कोने में, और धरती को बाकी प्लैनेट से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो यूरेनस और नेपच्यून लास्ट का दो प्लैनेट कितना बड़ा है। और देखो अब धरती यहाँ आ चुका है और इसमें यूरेनस नेपच्यून को जुपिटर और सैटर्न से कंपेयर किया गया, जो कि और भी बड़ा है। अब और जूम आउट करते हैं तो जुपिटर और सैटर्न देखो यहाँ है और अर्थ तो पता नहीं दिख भी नहीं रहा है। और इससे सूरज को कंपेयर करेंगे तब देखो जुपिटर सैटर्न इतना छोटा हो जाता है। और अब सूरज भी कुछ बड़ा नहीं है, पता है? इसको सीरियस, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है इन द स्काई, उससे सन को कंपेयर करेंगे तो वो इतना बड़ा है। और सीरियस भी कुछ नहीं है दोस्तों, उससे भी बड़े स्टार को देखें तो देखो पोलक्स, ये सीरियस से भी बड़ा है। और धरती कहाँ आई अब मुझसे आप मत पूछो, वो अब एक पिक्सल से भी छोटा हो चुका है, वो तो कंपेरेबल भी नहीं है इससे। सन तो देखो बेचारा इतना छोटा यहाँ दिख रहा है, ठीक है भाई साहब? पोलक्स है ना, वो भी कुछ नहीं है, ठीक है? पोलक्स स्टार से भी एक बड़ा स्टार है जिसका नाम है आर्कट्यूरस, और इसके सामने पोलक्स स्टार भी इतना छोटा दिखता है, देखो। और ऑफ कोर्स मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि आर्कट्यूरस भी कुछ नहीं है इसके सामने, ये दो महारथी के सामने, एल्डेबरन और रिगेल, ठीक है? तो और भी ज्यादा अब हम लोग जूम आउट करते हैं और हम लोग एकदम सीरियस स्केल पे जा चुके हैं, जहाँ पे एल्डेबरन और रिगेल भी कुछ नहीं है बेटलग्यूज स्टार के सामने। और एक नेबुला का साइज आप देख सकते हो, एटा कैरन नेबुला, ये तो बंगला लैंग्वेज है ना, एटा कैनो, एटा कैरन, कुछ नहीं आगे बढ़ते। बेटलग्यूज जो स्टार है इससे भी बड़ा एंटेरस, भाई साहब एंटेरस भी कुछ नहीं है, इससे बड़ा एक है V382 कैरन और उससे भी बड़ा है V838 मोनो सेरोटिस। अर्थ याद कहाँ गया रे सन, अर्थ तो इसमें, ये तो गायब है इमेज से। जो सीरियस था ये स्टार वो इतना छोटा दिख रहा है, देखो अर्थ तो पता नहीं इस इमेज में है ही नहीं, भगवान कितना छोटा है हम लोग। और आप बिलीव करो इससे भी बड़ा एक स्टार है जिसका नाम है V509 कैसियोपिया, और सुनो और इससे भी बड़ा एक स्टार है जिसका नाम है KY सिग्नी, और उसी के साइज का अराउंड
म्यूसेफेट। और बेटल ग्यूस जो स्टार था इतना बड़ा हम लोग मान रहे थे अभी, वो देखो कोने में जाके कैसे बैठा हुआ है बकलोल की तरह। और असल में ये भी कुछ नहीं है, V354 से ये लास्ट वाले से भी बड़ा है। और ऑफकोर्स ये भी कुछ नहीं है, उससे भी बड़ा आएगा क्योंकि यूनिवर्स में साइज लिमिट तो है नहीं। बाइनरी स्टार वीवी कैफे, ये उससे भी बड़ा है। और उससे भी बड़ा है वाई वी कैनिस मेजोरिस, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन स्टार है। माई गॉड, मतलब इस यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में, स्पेस में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो मैंने आपको शेयर किया। और इससे हमें ये पता चलता है मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा है। बाप रे, फैक्ट नंबर वन, मैंने लास्ट दो वीडियोस में फैक्ट नंबर वन में डोरेमोन और नोबिता के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो डोरेमोन और नोबिता इनके बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो इंडिया में सिंचैन जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्टून सीरीज है, उसके एंडिंग और उसके बारे में भी कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं ताकि ये कार्टून और एनिमे सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो सुनो, तो सिंचैन रियल स्टोरी, ये जब आप सर्च करोगे गूगल में या फिर इन्फॉर्मेशन जानना चाहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिंचैन एक रियल बच्चा था। और इसके ऊपर आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाते हैं जिसमें उसका रियल स्टोरी बताया जाता है और लास्ट एपिसोड बताया जाता है। और उसमें ये बताया जाता है कि सिंचैन एक रियल लड़का था, एक बच्चा था। और वो एक दिन मार्केट में, वो, उसकी बहन और उसकी मम्मी तीनों गए थे शॉपिंग में। तो क्या है कि सिंचैन की जो बहन है वो अचानक एक कार के सामने आ जाती है, और कार के सामने जैसे आती है वैसे ही वो दौड़ता है सिंचैन अपनी बहन को बचाने के लिए, और वो बचा नहीं पाता है और उसकी बहन और वो दोनों ही मर जाता है। ये स्टोरी सर्कुलेट होती है। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि फैक्टिक्स हम लोग आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि ये रियल है कि नहीं, आप कंफर्म करो रिसर्च करके। तो फाइनली ये जान लो कि ये स्टोरी ऑफ कोर्स रियल नहीं है, सिंचैन एक इमेजिनेशन है, ठीक है। और सिंचैन जो है वो कभी मरा नहीं था ना मरेगा, और वो ऑफ कोर्स नेवर एंडिंग सीरीज है। सिंचैन एक मांगा सीरीज था जो कि यशिटो युसुई ने बनाया था। सिंचैन एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और ये जो मांगा था ये जापान में बहुत पॉपुलर होने लगा। और जब पेपर फॉर्म में इतना चलने लगा मांगा के फॉर्म में, तो इसका एनिमे वर्जन बनाया गया, ठीक है, कार्टून वर्जन, डिजिटल वर्जन। और ऑफ कोर्स ये जापान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया। और इसके क्रिएटर यशिटो युसुई ने कभी ये नहीं कहा कि ये किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। उन्होंने ऑफ कोर्स हमेशा किसी भी इंटरव्यू या फिर किसी भी आर्टिकल में यही बताया कि एक फिक्शनल कहानी, ये जो आप कहानी क्लैरिफिकेशन चाहते थे कि ये जो मरने वाला कहानी रियल है कि नहीं, तो ये रियल नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो का फैक्ट्स बहुत मजेदार लगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।